ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के बड़े चौराहे भारत माता प्रतिमा पर अखिलेश यादव का पुतला दहन किया है। कल उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं भी पत्थर रख दो और सिंदूर लगा दो वहां मंदिर हो जाता है, और भाजपाइयों ने रातों रात अयोध्या में मूर्तियां रखवा दी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, शायद अखिलेश यादव जी थोड़ा बादाम खाए और उनकी याददाश्त अगर कमजोर हो गई हो तो याद करें कि उनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया था, और जो काम काशी में हो रहा है वो न्यायालय की एक जांच कमेटी है। क्या अखिलेश यादव जी न्यायालय की जांच कमेटी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? और जो राम मंदिर बन रहा है वो भी न्यायालय के दिशा निर्देश पर, न्यायालय के निर्णय पर बन रहा है। तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव के हार के बाद अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं कि वो देश की सर्वोच्चतम व्यवस्था जो न्यायपालिका व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। और अगर भी अखिलेश यादव जी अपने बयानबाजी उन्होंने बंद नहीं की, अपनी ये हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणियां करना बंद नहीं किया, तो हम लोग आज अर्थी फूंक रहे हैं, अर्थी और पुतला फूंक रहे हैं। उनको कानपुर में जब वो आएंगे तो काली पोत करके उनका स्वागत करने का काम करेंगे। आज हम लोग अखिलेश यादव जी के दिए हुए बयान की निंदा करने के लिए आए एकत्र हुए और पुतला जलाया। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जहां कहीं चार ईंटें रख लिए जाते हैं वहां मंदिर बन जाता है। भाजपाइयों का षड्यंत्र है, भाजपा ने वहां राम मंदिर में रात में मूर्तियां रखी। मुझे आप लोगों के माध्यम से उनको प्रश्न पूछना है, क्या उनको भारतीय न्याय संहिता में भरोसा नहीं? क्योंकि राम मंदिर जो बन रहा है न्यायालय के, माननीय न्यायालय के आदेश पर बन रहा है, और हम लोगों ने जो भी कार्य किया है भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में अर्जी दी है, न्यायालय उसका निर्णय करेगा कि यह भगवान शिव का मंदिर था या नहीं था।